वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में वीवो का फ़ोन, अगर इसके अंदर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो ये हैंग की प्रॉब्लम जो है आप इजीली जो है वो शॉर्ट आउट कर लेंगे। बस जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा वो सेम फॉलो करना है और ये प्रॉब्लम आपकी ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है आपकी ये टच जो है वो हैंग हो रही है और आपको इस पर कोई भी ऑप्शन करने में, सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दिक्कत आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे वो मैं बता दूंगा। बहुत इजी है, बस सेम तरह से फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो इसमें आप टू फिंगर का यूज़ करेंगे तो आपकी टच जो है वो प्रॉपर चलने लग जाएगी। ये देखें, अभी सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इस पर डबल टैप करेंगे तो ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। ये आ गया हमारा। अब हम नीचे आएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको डबल प्रेस करना है। इस पर डबल प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब हम नीचे आएंगे, सिंगल फिंगर काम नहीं करेगा, आपको टू ही फिंगर पे यूज करना है तब जाके इसकी टच जो है वो चलने लगती है। सिंगल फिंगर पे ये जो है वर्क नहीं करता, तो हम टू फिंगर का यूज करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम इस पर डबल प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन आ गया। ऊपर देखेंगे आप, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑफ है, सेलेक्ट टू स्पीक भी ऑफ है, स्विच टू एक्सेस ऑफ दिखा रहा है। ये टॉल बैक हमारा ऑप्शन जो है वो ऑन है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है हमें फेस आउट हो रही है, तो इसको हम ऑफ कर देंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको डबल प्रेस करना, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाले ऑप्शन को और डबल प्रेस कर देंगे, ये स्टॉप का ऑप्शन आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करके डबल प्रेस, और ये प्रॉब्लम जो है हमारी सिंगल फिंगर की शॉर्ट आउट हो गई है और टू फिंगर की अब ये सिंगल फिंगर पे प्रॉपर काम करेगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।